50% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया, मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है, लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया, अभी तक दुख है।